हेलो फ्रेंड्स, आरबीआई ने फाइनली डिसीजन दे दिया है कि जो मॉरिटोरियम है उसको 6 महीने कर दिया गया है, यानी कि अब आपको जो है ईएमआई 6 महीने तक नहीं देनी है। जी फ्रेंड्स, 3 महीने की हम पहले ही इसका फायदा उठा चुके हैं, अब 3 महीने आ गए, यानी कि अब आपको जो है अगस्त महीने तक कोई भी किस्त नहीं देनी है किसी भी तरह के लोन की। जी फ्रेंड्स, इसको हमें समझना होगा। जी फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने 3 महीने की मॉरिटोरियम ली थी, यानी कि ये मई के अंदर छूट जिसको हम नहीं चुका पा रहे थे इस कोरोना के चलते, उसी को जो है अब आगे बढ़ा करके 3 महीने और कर दिया गया है, यानी कि अब हम लोग जो है जून जुलाई और अगस्त 3 महीने और जो है किस्त नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं दे सकते। जब इसको जो है आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए बोल दिया गया है कि आपको जो है इस ओर नए दिशा निर्देश बनाने होंगे, क्योंकि अभी 3 महीने के तो बन चुके थे। लेकिन यहां पर जो है मैंने पिछले वीडियो बनाए थे उनके अंदर जो है सभी लोगों के कमेंट्स थे कि सर मेरी किस्त कट रही है, मेरी कट चुकी है, मेरे पास फोन आ रहे हैं, कई लोग जो है बोल रहे हैं कि सर हमको किस्त देनी है, क्योंकि कई तरह के जो है कंप्लेंट्स आ रही है बैंक की तरफ से या फिर एजेंटों की तरफ से। तो वहां पर जो है मैं इस बारे में भी बात करूंगा आपको। मैं सबसे पहले तो इसको समझना होगा इस तरह के मॉरिटोरियम के अंदर आपसे क्या वसूला जाएगा और किस तरह से आपको इससे बचना है या फिर आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस बारे में जो है मॉरिटोरियम के बारे में पिछले जो 3 महीने का मॉरिटोरियम मिला था हमको, यानी कि मार्च अप्रैल और मई, जिसका मॉरिटोरियम 31 मई को खत्म होने वाला था, उससे पहले ही आज जो है आरबीआई ने फाइनली डिसीजन दिया है कि अब 3 महीने और आपको मॉरिटोरियम मिलता है, यानी कि किस्त नहीं देने पर आपको और छूट मिलती है। तो ये अगस्त तक जाती है, यानी कि अब आपकी किस्त अगर आप पूरे 6 महीने का मॉरिटोरियम यानी कि पूरी छूट लेना चाहते हो तो आपकी जो नेक्स्ट किस्त है वो जाएगी सितंबर के अंदर, यानी कि आपको सितंबर से आपकी किस्त देनी होगी। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 3 महीने का जो मॉरिटोरियम है वो कई लोगों को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है उसका रीजन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, पिछले वीडियो के अंदर काफी सारे कमेंट्स भी आए हैं। जी फ्रेंड्स, वहां पर जो है लोगों ने कमेंट किए हैं मुझे कि सर मेरा जो है किस्त कट रही है, जिसकी ऑटोमेटिक थी उसकी किस्त कट रही थी, और कईयों का मैसेज आ रहा था कि सर मेरे पास मैसेज आया कि मेरे को किस्त चुकानी है, कईयों का यह था कि सर मुझे एजेंट या फिर बैंक परेशान कर रहे हैं कि किस्त दो, ठीक है, इस तरह के मैसेज थे और इस तरह से लोग जो है परेशान थे। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि मॉरिटोरियम लेना कैसे है, क्योंकि ये ऑप्शनल, और आपको बता दें कि इसकी रिक्वेस्ट करनी थी, और इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि मॉरिटोरियम एक्चुअली क्या है, क्योंकि बैंक ने जो है इसको सर्कुलर कर दिया, आरबीआई ने नोटिफिकेशन दे दिया सारे बैंक वालों को कि आप लोग जो है मॉरिटोरियम की जो है ग्राहकों को छूट दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप लोगों के लिए, क्योंकि एसबीआई ने जो है फुल्ली ग्राहक के ऊपर छोड़ा है और दूसरे बैंक है उन लोगों ने भी ग्राहक के ऊपर छोड़ा है कि जो अगर आप किस्त नहीं दे रहे हैं तो आपको हमें बताना होगा कि आप किस्त नहीं दे रहे हो, या तो आप बैंक में पैसा मत रखो जो कटेगी नहीं, और अगर आपका बैंक में पैसा है तो वो पैसा अपने आप कट जाएगा। अब इसके लिए करना क्या था आपको कि वहां पर जो है आपको अप्लाई करना था एसएमएस के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या फिर किसी ईमेल्स के थ्रू, यहां पर आपको बैंक को बताना था कि मैं किस्त नहीं दूंगा, मुझे 3 महीने की जो है ये रिबेट मिली हुई है यानी मॉरिटोरियम मिली हुई है वो मुझे चाहिए थी। वही चीज अब 6 महीने के लिए कर दी गई है, यानी कि टोटल 6 महीने के लिए, 3 महीने अब और 3 महीने पिछले, यानी कि मार्च अप्रैल मई अब जून जुलाई अगस्त 6 महीने तक आपको जो है मॉरिटोरियम मिल जाएगी। जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर रखा है उनको कुछ नहीं करना है, उन लोगों को पूरे 6 महीने की मॉरिटोरियम मिलेगी अगर वो लेना चाहते हैं तो, ठीक है। और जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था वो लोग, उन लोगों के पास में अब मौका है, क्योंकि अब बैंक भी खुल चुके हैं तो वो बैंक में भी जाके विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं या मोबाइल ऐप के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग मेल कर सकते हो कि उनको बता सकते हो कि मैं मॉरिटोरियम का फायदा लेना चाहता हूं, मैं आगे की 3 किस्तें नहीं देना चाहता, ठीक है, इस तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या है लोगों ने समझा नहीं था, उन्होंने सोचा कि आरबीआई ने नोटिस दे दिया है, बैंकों ने इसको सर्कुलर कर दिया तो यानी कि हो गई नहीं थी, ये हम लोगों के ऊपर छोड़ा गया था कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ बैंक्स ने जो है ऑटोमेटिक किया था, कईयों ने जो है अपने ऊपर छोड़ दिया था। लेकिन अब इसको अपन को समझना होगा कि लोगों को क्या है समझ में नहीं आया कि मॉरिटोरियम का फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको सीधी सी बात यही बताने वाला हूं कि अगर आप सक्षम है किस्त देने के अंदर तो आपको देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका बड़ा लोन है, होम लोन है, कार लोन है या किसी तरह का और भी लोन है, बड़ा लोन है, तो आपको जो है बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यहां पर जो है आप लोगों से ब्याज वसूला जाएगा, सिर्फ आपका मूलधन ही यहां पर माफ होगा, माफ भी नहीं होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा नेक्स्ट किस्त के बाद में आने वाला है। क्योंकि यहां पर ऐसे समझिए कि अगर आपकी मान लीजिए 180 किस्त थी, वहां पर आपने 10 किस्त जो है दे चुके हैं, अभी 170 किस्त बची हुई है और आपने जो है इन 3 महीने का या फिर 6 महीने की किस्त का फायदा ले लिया है, तो वहां पर जो है वो लोन जो है आपका एक तो 170 से 176 किस्त हो जाएगी आपकी वहां पर, यानी 6 किस्त बढ़ जाएगी या 3 किस्त बढ़ जाएगी। तो अगर आपने मॉरिटोरियम लिया है 3 महीने का तो आपकी 3 किस्त एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, यानी कि जो लोन आपका 3 साल में या फिर जो 3.5 साल में चुकने वाला था वो लोन जो है अब आपका जो है
तीन महीने और आगे बढ़ गया है, तो वो तीन महीने बाद तक चुकेगा, ठीक है। और प्लस उसका ब्याज जो है आपको भारी इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि जो ब्याज था वो आपको पता होना चाहिए कि शुरू में जो है अपना ब्याज ज्यादा होता है और मूलधन कम होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी 10,000 रुपए की किस्त है, तो वहां पर जो है अगर आपने गौर किया होगा तो आपको देख लीजिए वहां पर ये तो जो है मूलधन है और ये जो है ये आपका ब्याज है, तो यानी कि ब्याज इतना है मूलधन इतनी है। तो आपको यहां पर सोचना होगा कि ब्याज ज्यादा होता है शुरू के अंदर, और जैसे जैसे हमारा लोन कंप्लीट होता जाता है वहां पर जो है ब्याज कम हो जाता है, मूलधन ज्यादा हो जाता है, ये चीज आपको देखने को मिल रही है यहां पर, देख लीजिए आप, ठीक है। इसी के साथ में जो है आपको ये जो ब्याज है ये आपकी या तो किस्तों में जुड़कर आएगा या फिर आपकी इसकी जो है अलग से किस्त बनेगी, यानी कि मान लीजिए आपकी 50 किस्त थी तो 51 या 52 इस तरह से आपकी ब्याज के अकॉर्डिंग नई किस्त और बन जाएगी, यानी कि जो लोन था आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा आगे। तो यहां पर जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि अगर आप सक्षम हैं तो आप नहीं चुका रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसकी भरपाई जो है आगे करनी पड़ेगी, उतनी नहीं जितनी कि आज अगर आप ब्याज पे लेकर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, तो आपको जो है ईएमआई देनी चाहिए, और अगर आप सक्षम नहीं है तो आप इसका बेनिफिट उठाइए मॉरिटोरियम का। 3 महीने पहले अगर उठा लिया है तो काफी अच्छी बात है, अगर 3 महीने पहले आपने मॉरिटोरियम का फायदा नहीं उठाया तो आप लोगों के लिए अभी भी मौका है। अब आप 3 महीने आगे यानी कि जून जुलाई और अगस्त 3 महीने का और मॉरिटोरियम यानी कि किस्त नहीं चुकाने की छूट आप ले सकते हैं बैंक की तरफ से, जहां पर आप जो है जितने मर्जी यानी टाइम के लिए, यानी ये 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप अपनी मर्जी से भी बोल सकते हो, या फिर टोटल 3 महीने की अलग अलग भी ले सकते हो, यानी कि पूरे 3 महीने के लिए लीजिए, और जिसने पहले ले रखी थी उसकी कंटिन्यू चलेगी, उन लोगों को कुछ नहीं करना है, उनकी कंटिन्यू मॉरिटोरियम की छूट 6 महीने एक्सटेंड हो जाएगी अपने आप अगर वो नहीं चुका रहे हैं तो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, और अभी आपके पास में मौका है कि आप जो है बैंक में जा सकते हैं क्योंकि बैंक खुल चुके हैं, और या फिर आप मोबाइल ऐप का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, और मैसेज कर सकते हैं, मैसेज बैंक नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर होते हैं, वहां पर फोन कर सकते हो आप बैंक के, वही जितने बैंक है उनके हिसाब से वहीं पर जो आप ईमेल कर सकते हैं और कस्टमर केयर को भी बता सकते हो कि आप जो है मॉरिटोरियम की छूट लेना चाहते हैं। तो ये जो है बड़ा अच्छा कदम है उन लोगों के लिए जिनकी जो है रोजी रोटी छिन चुकी है, या फिर जिनका रोजगार नहीं है, अभी उनको बिल्कुल भी इनकम नहीं है और वो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो खत्म हो चुका है। अब नए शुरू से शुरू करेंगे तो आपको पता है पैसा इस महीने नहीं आने वाला है, प्लस जो 2-3 महीने बैठ के खाया है उन्होंने उनकी भरपाई करना, तो किस्त का जो ईएमआई का बोझ है वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। इसीलिए जो है आरबीआई ने नया सर्कुलर जो दिया है वो काफी अच्छा दिया है, सभी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इसका फायदा लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं लेते हो तो और भी अच्छी बात है। तो इसलिए प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपको शायद समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, उनका मैं हर संभव रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।